सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा लोगों को कि ये फिल्म जस्ट हैपेंड टू मी 2 years बैक. इट वाज द प्रोड्यूसर अप्रोच मी और उन्होंने मेरा काम देखा था मिले जब हम तुम में, तो उनको था कि यू नो ये लड़का कौन है और मुझे इसके साथ काम करना है. सो दे अप्रोच मी एवेंट एंड मेट देम एंड फ्रॉम देयर देन आई मेट द डायरेक्टर और फिर ये फिल्म हुई मेरे लिए. और मैं मुझे जो मेरा किरदार था वो बहुत हैप्पी गो लकी यू नो द बॉय नेक्स्ट और है बनारस का लेकिन मुंबई में पढ़ाई की है, अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली है. सो आई रियली लाइक द कैरेक्टर और उसे बनारस आके जो सीन्स थे मेरे दे आर वेरी लाइट एंड वेरी सूदिंग टू द आईज इन टर्म्स ऑफ देखने में मज़ा आएगा. कॉमेडी भी है उसमें. सो दे आर फनी. आई मीन कॉमेडी कर नहीं रहा हूँ लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो फ़नी है. एंड आई थॉट इट इज़ अ गुड स्क्रिप्ट. फैमिली एंटरटेनर था तो मुझे क्लीन फिल्म करनी थी. मुझे कुछ ऐसे यू नो हॉटी सेक्सी टाइप जो फिल्में होती हैं वैसा नहीं करना था. तो मुझे लगा कि ये फिल्म अच्छी है और मैंने की. और ये अब रिलीज़ हो रही है पिछले साल या 19th of February को रिलीज़ हो रही है. और बीच में फिर मैंने वापस मैंने फिल्म करके फिर मैंने दोबारा टीवी शुरू कर दिया था. एंड इट्स रिलीजिंग नाउ. सो आई एम हैप्पी कि यू नो फिल्म रिलीज़ हो रही है. बिकॉज जब आपकी पहली फिल्म होती तो आप बहुत नर्वस होते हो जैसे मैं हूँ. एंड योर की फिल्म होगी रिलीज़ नहीं होगी तो होगी तो क्या रिस्पॉन्स होगा कैसा होगा लोगों को पसंद आएगा नहीं फिल्म पसंद आएगी नहीं आएगी. अगर फिल्म पसंद आई तो क्या मेरा काम पसंद आया. अगर फिल्म पसंद नहीं आई तो क्या उसमें मेरा काम पसंद आया. तो देर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं. आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. तो मैम आई जस्ट होप कि जब 19 February को फिल्म रिलीज़ हो तो पीपल गो टू वॉच द फिल्म एंड उन्हें मेरा काम पसंद आए और फिल्म भी ऑफकोर्स.